तुम्हारी इस हरकत की वजह से घर का सारा माहौल खराब हो गया है। ये घर घर ही नहीं रहा, हर तरफ खामोशी हो गई है। सबको अपनी पड़ी हुई है, आपको भी अपनी पड़ी हुई है, उन सबको भी अपनी पड़ी हुई है। मुझसे कोई पूछ रहा है कि मुझ पे क्या गुजर रही है? एक बात बता दे रही हूँ, मैंने सबको कह दी, अगर जफरी ने अपनी मर्जी से शादी की और अपनी मर्जी की लड़की इस घर में लेकर आया तो इस घर से तो कोई शरीक नहीं होने वाला उसकी शादी में। बस मेरा फैसला ही। इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है, और औलाद ताकत भी है और कमजोरी भी। टूट सी गई है, इस तरह बात करते हुए तो मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा। चाचू को ये केस सही से हैंडल नहीं करना आया। छोटे हैं ना? अब इतने भी छोटे नहीं है, अनाड़ी बनी हुआ। हाँ अनाड़ी बनी है, मैं तो सोच रहा था कि रोशन शाइस्ता तुम अंदर जाओ। मैं नहीं आऊंगी, मैं कोई तंग नहीं कर ली, मैं कोई खेल ली हूँ। वो बड़ों की बातें हो रही हैं, बच्चे ऐसे नहीं सुनते। चलो जाओ अंदर जाओ, छोटी हो तुम। शास्त्रा जिद मत करो, अब हम हर बात तो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते। अच्छा तो जितनी चाचा की शादी की बातें हो रही हैं। अरे भाई जब तुम्हें मालूम है तो हम दोनों के बीच में मैं बैठ के तंग क्यों कर रही हो। चलो जाओ, शाबाश, अंदर जाओ, तुम छोटी हो, जाओ। मुझे छोटा ही समझते हैं। चाचू से ज्यादा इंटेलिजेंट तो शाइस्ता है। क्या कर सकते हैं, जख्म मामू बिल्कुल बच्चों वाली हरकत की है। यार देखो आप, मुझे रोशना के बारे में सब कुछ मालूम है और घर में किसी को कुछ नहीं बता रहे। तजुर्बा नहीं है ना? तुम्हें जैसे बड़ा तजुर्बा है। फिल्मों में इन चक्करों के अलावा होता ही क्या है। हाँ ये तो बात है, हीरो हर सिचुएशन में हीरोइन को तो लेके ही जाता है। जफरी मामू भी बस ऐसे ही है, बाहर पढ़ने गए थे, फिल्में भी देखते रहते, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। हाँ यार चाचू इतने बड़े हो गए लेकिन फिर भी कुछ नहीं पता। शक्ल से सीधे लगते हैं, पता नहीं रोशना मोमानी कैसे। ओ भाई आराम से, और ये रोशना मोमानी कहाँ से हो गई? ये एक फाइल तो बंद होने दो। जी बात करते हो यार। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा पूछ लूं, कहीं भूली तो नहीं गई तुम मुझे? आप हमेशा से ऐसी बातें क्यों करते हैं? और सुनाओ क्या चल रहा है महके में? बस खूब मजे आ रहे हैं, हल्ला गुल्ला और दावतें हो रही हैं। अच्छा दावतें कहाँ हो रही हैं? बस घर में ही हो रही हैं। कभी मुझी भाई की तरफ से कोई घर में स्पेशल डिश बन जाती है और अक्का भाई कभी कभी बाहर ले जाते हैं। वाह भाई तुम्हारे तो बड़े मजे हैं। देख लें, यहाँ आने में यही फायदा होता है। अच्छा ये बताओ महमूद कैसा है? फिट फाट। शोज़ब के साथ बहुत अच्छी दोस्ती चल रही है। अच्छा इसका मतलब है कि तुम दोनों की पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। आप भी आ जाए, किसने मना किया है? अच्छा बस बहुत हो गया, आप आने की करो। क्या सारी छुट्टियां वहीं गुजारने का इरादा है? अच्छा अब ये उदास क्यों हो गई हो? नहीं 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 तो। अच्छा आवाज बता रही है। चलो क्या याद करोगी, कुछ दिन और अपनी अम्मा के घर गुजार लो। नहीं नहीं मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं आजकल वैसे ही ऑफिस में इतना काम है कि रात के 11-11 बज जाते हैं, और इतनी रात में जब थका हुआ होता हूँ तो न कहीं आने का न कहीं जाने का। तो इतना काम क्यों करते हैं? तनख्वाह मिलती है मुझे काम की, जिससे आपके आने जाने का किराया निकलता है। अच्छा चले ठीक है, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और रात को रोजाना याद से दूध पीकर सोया करें। अच्छा नहीं आने का सुन के ज्यादा मोहब्बत दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो ना कहें। फिर कैसे कहें? आप बता दें। अच्छा वो याद आया, तुमने महमूद के कंप्यूटर के पैसे नहीं बताए अभी तक। अच्छा मुझे तो याद ही नहीं रहा, गुगली या अक्का भाई ने आपको कॉल किया था? अरे नहीं वो कौन सा मुझे कॉल करते हैं, और आप क्यों पूछ रही हैं? ओहो ऐसे ही पूछ रही हूँ। अच्छा चले ठीक है, अल्लाह हाफिज। भाई तुम्हारी अम्मी का गुस्सा इतनी जल्दी उतर जाएगा इसका मुझे यकीन नहीं था। अब डैडी उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं कहा कि वो मान गए हैं, वो तो मैंने उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया। जहां तक मैं इशरत जहां को समझता हूं, अगर वो माफी की बात करें
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ज़हनी तौर पर मान चुकी हैं कि ज़फ़री मैमूना के साथ शादी नहीं करेगा। डैड बस तो फिर आज ही इस मामले को निपटाएं, खत्म करें बस। मियाँ हथेली पे सरसों मत जमाओ, मैं भी जरा तुम्हारी अम्मी से बात कर लूं। डैडी ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, आप मेरे कहने पे कोई भी फैसला मत कीजिए। पता चला कि आपने मैमूना के यहाँ जाके बात करती और अम्मी ने कहा कि मुझसे पूछे बगैर फैसला क्यों किया। ये बात तो मैं अच्छी तरह समझता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे ज्यादा अम्मी के मिजाज से कौन वाकिफ है। मुझे दूसरों का तो नहीं पता लेकिन अपने तजर्बे से मैं कहता हूँ वालदैन परेशानियों और दुआओं का मजमुआ होते। मैं समझी नहीं क्या कह रहे हो। अरे यही औलाद के लिए परेशान रहना, जब वो छोटे होते हैं तो इस बात का ख्याल रखो क्या पहना क्या खाया है, और जैसे जैसे वो बड़े होते परेशानियां भी बढ़ती जाती। बस जो दुआएं आपकी वो औलाद के साथ साए की तरह चलती। ये तो है लेकिन औलाद इस बात को समझती कहाँ है। समझते हैं जब वो खुद साहिब औलाद हो। तब समझे तो क्या समझे, क्या फायदा उस वक्त। जिंदगी और वक्त का जन्म जन्म का साथ, दोनों एक दूसरे के बगैर बेकार, और ये दोनों ही इंसान के सबसे बड़े उस्ताद हैं। जिंदगी वक्त की अहमियत बताती है और वक्त जिंदगी की कदर व कीमत। जिसने इन चीजों को समझ लिया ना उसको फिर समझाने की जरूरत नहीं है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ बयान करें। अरे भाई मैं कहना ये चाहता हूँ जो अपना जफरी है ना वो वक्त की अहमियत को भी समझा नहीं। अगर वो पहले बता देता कि उसका इरादा किसी और तरफ है तो हम ये बात ही ना करते। सब कुछ ठीक है लेकिन अब इसके जो जी में आए करे, जहाँ चाहे दूल्हा बन के चला जाए, मैं इसकी शक्ल नहीं देखने वाली। आप कहना ये चाहती हैं कि तहरीम की माऊजा बहन के साथ अगर रिश्ता नहीं होता और वो कहीं और करना चाहता है तो आप शादी में शरीक नहीं हो। बिल्कुल भी नहीं, और मैं आपको एक और बात बता दूं, ना ही ये सब कुछ इस घर में होगा। लेकिन भाई उनको इनकार करने कौन जाएगा। वही मना करे जिसने शादी से इनकार किया है, हम और आप बेइज्जत होने क्यों जाएं। अच्छा मतलब कहना आप ये चाह रही हैं कि आपके अलावा कोई और चला जाए लेकिन आप नहीं जाएंगी। कतई नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है। अरे माँ की कोई अहमियत ही नहीं है, जब दिल जाए हाँ कर दी, जब दिल जाए ना कर दी, शादी ना हुई गुड़िया गुड्डे का खेल हो गया। भाई बात ये है कि अब उन्हें कौन कहे कि हम ये रिश्ता खत्म करना चाहते। वो क्या है कि डैडी शर्मिंदगी तो दोनों को ही होगी ना, मैं तो कहता हूँ फोन पे बात कर लें। अक्का मियाँ शर्मिंदगी तुम्हें होगी, उन्हें गुस्सा आएगा। डैडी रिश्ता लेने वक्त तो घर की पांच पांच खवातीन जाए और मना करते वक्त एक कॉल, ये ज्यादती। भाई कह तो तुम सही रहो गुगली, अब ये इतना आसान भी नहीं है कि फोन उठाए और बंदा ये कह दे कि जी आप इस रिश्ते को खत्म समझे। डैडी फिर सवाल ये उठता है कि जाए कौन बात करने। भाई बात ये है कि ये रिश्ता तो किया और तुम तो, हम तो वहां गए भी नहीं, अगर हम जाते हैं तो बड़ा अजीब सा लगेगा। हाँ डैडी सीधी सी बात है, हमारा वहां जाना नहीं बनता। देखिए अम्मी तो जाएंगी तो फिर भले खदीजा बाजी के साथ घर की किसी औरत को भेज दीजिए। कौन? भाई किसी को भी, ऐनी भाभी हैं, तहरीन भाभी हैं, अपनी शाजी है। ओ तुगली ऐनी जी को तो ले जाने का सोचना भी मत। भाई तहरीन जो है वहां ना जाना चाहेगी और ना मैं खुद चाहता हूँ कि वो वहां जाए। एक आइडिया है वैसे, अगर तहरीन की अम्मी को बता दें वही जाके बात कर लें। अरे कैसी बातें कर रहा है अक्का, उनको इन्वॉल्व करने का क्या मकसद है इस सारे किस्से में, वो तो वहां नहीं गई थी रिश्ता लेने। तो क्या खतीजा बाजी अकेली जाएंगी क्या? भाई मेरा ख्याल है कि अक्का और खतीजा जाएंगे वहां।
हैं? मैं क्यों जाऊंगा? मैं तो जानता ही नहीं किसी को वहां पे। अरे भाई तुमको कौन सा अंदर जाना है, तुम बस कार में बैठे रहना। अगर गाड़ी में ही बैठना है तो फिर तो कोई भी चला जाए, ये चला जाए, मुझे चला जाए, मेरी गाड़ी ले जाए बेशक। समझा करो अक्का, अगर तुम्हें भेज रहा हूँ तो कोई वजह है। पता नहीं क्या वजह होगी, आप ही को पता होगी। ठीक है मैं कल चला जाता हूँ, आप कह रहे हैं तो ठीक है। ये तो डिसाइड हो गया ना, शुक्र। आज मैं मानी क्या चाह रही हूँ, क्या कहोगी? वही जो हो गया। भाभी संभाल चाबी, भाभी संभाल चाबी। डैडी मैं अकेले नहीं जाऊंगी। अरे तो भाई कौन छोड़ने जाएगा, हैनी है, तहरीम है या मैडम? भाई तुम हैनी को तो जानती हो, और जहां तक रही तहरीम की बात तो भाई मैं खुद उसको नहीं भेजना चाहता। अब रह गई मैडम, तो भाई मैं डरता हूँ कहीं वहां जाके उल्टी सीधी बात ना कर दे। तो फिर हम लोग ऐसा करते ना कि उन्हें फोन करके मना कर देते हैं। अब देखे ना, अम्मी चलती सीधा सीधा तो अच्छा था ना, अब मैं उनसे जाके क्या बात करूंगी? बात तो करनी पड़ेगी। डैडी क्या बात करूंगी, अब मैं वहां जाके ये तो नहीं कह सकती कि जफरी ने मना कर दिया है, बल्कि मैं कुछ और बात करूंगी। क्या? भाई यही कि लड़के का शादी का कोई प्लान नहीं है, और वो कहता है कि मैं पहले अपनी लाइफ सेट कर लूं, सेटल डाउन हो जाऊं, उसके बाद शादी करूंगा। और लाइफ को सेट करने में कम से कम 5 साल लग जाएंगे, उसके बाद कर लूंगा। तो तुम समझती हो कि इस तरह बात खत्म हो जाएगी? बिल्कुल खत्म नहीं होगी, बल्कि वो जोर देंगे कि भाई 5 साल ज्यादा है, ऐसा करते हैं कि शादी कर देते हैं, अल्लाह ताला रोजी में बरकत डालेगा। और वैसे भी हमारे यहाँ मशहूर है कि बीवी के नसीब की दौलत और औलाद शौहर के नसीब की होती है। तो आप ही बताएं ना मैं क्या कहूँ। भाई अगर तुम मेरी बात मानो ना तो साफ साफ बता दो। नहीं डैडी ये तो बहुत बुरी बात है। अच्छा तो ये अच्छी बात होगी कि वहाँ जाके तुम बहानेबाजी करोगे? कितना बुरा लगेगा, वो लड़की वाले हैं डैडी। भाई तो मैं क्या करूँ, अगर मेरे घर में कोई कमारा लड़का होता तो मैं सोचता भी, इनकार के अलावा कोई भी चारा नहीं। तो क्या मैं अकेली जाऊंगी? नहीं नहीं अक्का मियां तुम्हारे साथ जाएंगे। चले फिर ये ठीक है, फिर अक्का भाई ही बात कर लेंगे उनसे। बिल्कुल नहीं, अक्का कार में ही बैठेगा, बात तुम ही करो। डैडी ये किस मुसीबत में फंसा रहे हैं। चलो शाबाश जाओ, शाबाश शाबाश जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन जी? आंटी मैं खदीजा बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा खदीजा कैसी हो? इतने दिनों से तुम्हारी कोई खैर खबर ही नहीं है। हाँ आंटी बस मसरूफियात इतनी रहती है, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। हाँ भाई दिन तो पता नहीं कैसे गुजर जाता है, काम पूरे ही नहीं हो पाते। जी हाँ लगता है अब तो वक्त में भी बरकत नहीं रही है। वो आंटी मैं आपके पास आना चाह रही थी। हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ जब जी चाहे आओ। कोई टाइम बता दे। अरे बेटा टाइम की क्या बात है, तुम्हारा अपना घर है, जिस वक्त भी चाहो आ जाओ। जी ठीक है, तो फिर कल शाम का वक्त ठीक रहेगा? हाँ हाँ जरूर आना, मगर देखो शाम में आना, खाना वाना भी खा लेना। नहीं नहीं आंटी इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेली आ रही हूँ। अकेली क्यों?
तुम्हारी अम्मी नहीं आएंगी? जी वो अम्मी की कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई को ले दिया ना? वो मुझे कुछ ना आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे कुछ बात करनी? अच्छा चलो ठीक है भाई, मैं तो खुद भी चाहती हूँ कि सारे मामला पहले ही तय हो जाए। ठीक है आंटी, फिर मैं कल मगरिब के बाद आती हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। आज मामाने क्या चाह रही हो? क्या कहोगी? वही जो हो गया। तुम्हें अंदाजा है उनके दिल पे क्या बीतेगी? अच्छी तरह, इसलिए तो जाना नहीं चाहते। तुम तो कहकर चली आओगी कि दिल पर तो कयामत गुजर जाएगी। रात मैं भी यही सोच रही थी। हम और तुम सिर्फ सोच सकते हैं, उन्हें फेस करना है, बताना है। तरह तरह के लोग सवाल करेंगे कि रिश्ता क्यों टूट गया, हालांकि उनकी सगी भांजी घर पे थी। तहरीम भाभी, अल्लाह जानता है हमने ये बिल्कुल नहीं चाहा था। आप यकीन जाने अगर जफरी राजी हो जाता तो मैं आज शाम को इसका निकाह करवा देती। मुझे तो अजीब सी घबराहट हो रही है। हाँ अजीब सा तो मुझे भी लग रहा है, इससे ज्यादती हो रही है बड़ी। क्या करें, ये जफरी ने तो जलील करा के रख दिया है, बात कैसे करेंगे? बर्दाश्त कर लेना और क्या, इससे गुस्सा तो बहुत आएगा उन लोगों को। हाँ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, गलती भी तो हमारी है ना। वैसे मुझे ना बेचारी आंटी का बार बार ख्याल आ रहा है, क्या सोचेंगी वो। हाँ ये तो है। अच्छा सुनो, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, बाहर गाड़ी में इंतजार करूंगा। बता नहीं देना उनको कि बाहर गाड़ी में हूं मैं। और अगर किसी ने देख लिया तो? कोई नहीं देखेगा, गेट से जरा परे गाड़ी खड़ी करूंगा। नहीं ना, आप मेरे साथ चलते तो ज्यादा अच्छा होता ना, प्लीज। जब वो क्या है कि कोई खुशी की बात होती तो चल भी लेता मैं। चले। हाँ चले। अकेली आई हो? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। जी बस यूं ही। आप लोगों ने तो पलट के खबर ही नहीं ली, जफरी भी नहीं आया मिलने, बड़ा दिल था उससे मिलने का। इतना दिल चाह रहा था जफरी से मिलने को, और ये लड़कियाँ, ये तो बहुत चाह रही थी, कह रही थी कि खाने पे बुला लो उनको। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि चाय पियोगी या ठंडा? नहीं नहीं आंटी, बस इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे चलेगा, मैमुना ने खास आपके लिए स्वीट डिश बनाई है, मैं अभी लेके आती हूँ। नहीं नहीं थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि शादी का क्या प्रोग्राम है? हमारे यहाँ तो शादी की खूब तैयारियाँ चल रही हैं। रोज लड़कियाँ बाजार जाती हैं और कुछ ना कुछ खरीद के लाती हैं। आज भी गई थी, ढेर सारी शॉपिंग करके लाई है। वो आंटी मैं आपसे बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ बोलो क्या बात। देखिए ये हमारी मर्जी बिल्कुल नहीं है, हमने तो बहुत समझाया लेकिन उसकी अकल में ही नहीं आ रहा। किसकी? जी वो जफरी की। जफरी की अकल में क्या बात नहीं आई? वो आप नाराज नहीं होइएगा, जफरी यहाँ शादी करने के लिए तैयार नहीं है। भाभी संभाल चाबी। भाभी संभाल
चाह रही थी कि मसले का हल हो, अब मसला हल होने वाला है। अक्का भाई और खतीजा आने वाले। बेटी, मसले का हल घर वालों के लिए, मेरे लिए तो मसला शुरू हुआ है ना बच्ची। अरे तुम लोगों की इसी ढील की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। मेरे हवाले करो, दो दिन में इश्क का भूत उतार दूंगा मैं उसका। तेरी भाभी की तो जान अब मुसीबत में आ जाएगी।